लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, ये कहां सोचते हैं। रूह क्या होती है उससे उन्हें मतलब ही नहीं, वो तो बस तन के तकाजों का कहा मानते हैं। कितनी सदियों से ये वहशत का चलन जारी है, कितनी सदियों से कायम है गुनाहों का रिवाज। लोग औरत की हर एक चीख को नगमा समझें, वो कबीलों का जमाना हो के शहरों का रिवाज। लखीमपुर खीरी में दो बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की घटना ने इस समाज के मुंह पर कालिक तो पोती ही है, साथ ही इस मर्दवादी सभ्यता की घिनौनी ताकत का भी मुजाहिरा किया है। सारे सुखन हमारे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आज महिलाओं पर हिंसा की बात करेंगे कविताओं के जरिए। साहिर लुधियानवी की नज्म का एक हिस्सा आपने शुरुआत में सुना, उसी का बाकी हिस्सा आपको सुनाते हैं। कि जब्र से नस्ल बढ़े, जुल्म से तन मेल करे, ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हमसा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। एक बुझी रूह लुटे जिस्म के ढांचे में लिए, सोचती हूँ मैं कहाँ जाके मुकद्दर फोड़ू। ना मैं जिंदा हूँ कि मरने का सहारा ढूंढूं, और ना मुर्दा हूँ कि जीने के गमों से छूटूं। कौन बतलाएगा मुझको किसे जाकर पूछूं, जिंदगी कहर के सांचों में ढलेगी कब तक। कब तलक आंख न खोलेगा जमाने का जमीर, जुल्म और जबर की ये रीत चलेगी कब तक। अहमद सलमान का एक शेर है कि उसे कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा, उसे कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली खतूत निकले तो लोग समझे। हम महिलाओं को बचपन से सिखाया गया है, समझाया गया है, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बोलो, ये करोगी तो वो हो जाएगा, थोड़ा चुप रहोगी तो क्या हो जाएगा। जहरा निगाह की ये कविता सुनिए, जिसमें एक बच्ची, एक अजन्मी बच्ची अपनी माँ से बात कर रही है। मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे लहू की मेहंदी मेरे पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ। गर मेरे नक्श उभर आते, वो फिर भी लहू से भर जाते, मेरे आँखें रोशन हो जाती तो तेजाब का सूरमा लग जाता, सट्टे बट्टे में बट जाती, बेकारी में काम आती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता, मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता, मेरे बाप का कद छोटा पड़ता, मेरी चुनरी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती, तेरी लोरी सुनने से पहले अपनी नींद में सो गई माँ, अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। औरत पर होती हिंसा और मर्दों का सामने आता घिनौना किरदार, इसी पर साहिर की नज्म का एक हिस्सा सुनिए। कि मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता, मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा, मर्दों के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेटी है, अवतार पयंबर जन्नती है, फिर भी शैतान की बेटी है, ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पर लेटी है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। अदम गोंडवी की एक कविता है, उसके अंत में अदम जैसे लखीमपुर खीरी के ही इस गांव का जिक्र कर रहे हैं। कि मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में, मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही, हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। जो लखीमपुर में हुआ वो कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी हिंसा महिलाओं के खिलाफ सदियों से चली आ रही है,
और हमारी माइथोलॉजी में भी तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अंश दिखते ही हैं। इसी हिंसा पर जनवादी नाटक करने वाले ग्रुप जन नाट्य मंच ने अपने एक नाटक में कविता लिखी है। इस एपिसोड के अंत में सुनिए ये कविता और सोचिए ऐसी हजारों हिंसा के बारे में और खुद से सवाल कीजिए कि ये कब तक जारी रहेंगी। इंद्र का पाप था, गौतम का श्राप था, शीला बनी अहिल्या, वो भी तो एक हिंसा थी। दो संस्कृतियों का आपसी टकराव था, प्रणय निवेदन का जवाब था, सूर्पनखा की नाक कटी, वो भी तो एक हिंसा थी। हालांकि वो सीता थी, राम की परिणीता थी, हुई फिर भी अग्नि परीक्षा, वो भी तो एक हिंसा थी। पांच महाबलियों की थी नारी, भरी सभा में खींची गई साड़ी, जुए का दाव या फिर चीर हरण, वो भी तो एक हिंसा थी। जनदग्नि की पत्नी थी, परशुराम की माता, मन से वो औरत थी, पति के आदेश से, पुत्र के फरसे से रेणुका की गर्दन कटी, वो भी तो एक हिंसा थी। नमस्कार। शुक्रिया।